जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है। कांग्रेस और उनके जैसी पार्टियों का कल्चर, उन पार्टियों की पहचान क्या है? परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद का बंधक है ये सारे लोग। 800 साल से ज्यादा की गुलामी से बाहर निकलकर एक राष्ट्र अब अपना खोया हुआ गौरव पाने के लिए फिर से उठ खड़ा हुआ है। वो खुल करके कहने लगे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है मां भारती को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए। कठोर होना पड़े तो कठोर भी हो। कांग्रेस और उनके जैसी पार्टियों का कल्चर, उन पार्टियों की पहचान क्या है? ये उन्हीं के कल्चर में से पैदा हुई है। उन पार्टियों की पहचान है, पार्टी का नाम लेते ही एक ही बात दिखती है, सारी पार्टियों का देख लीजिए, परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद का बंधक है ये सारे लोग। जबकि भाजपा का पॉलिटिकल कल्चर प्रत्येक देशवासी को साथ लेकर चलने का है। कांग्रेस और उसके जैसी पार्टियों का कल्चर छोटा छोटा सोचना, छोटे सपने देखना और उससे भी कम हासिल करके खुशियां मनाना बस, और खुशी एक दूसरे की पीठ थपथपाना। 2014 में जो हुआ वो केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, 2014 में भारत के लोगों ने भारत के पुनर्जागरण की नई यात्रा का शंखनाद कर दिया है। 800 साल से ज्यादा की गुलामी से बाहर निकलकर एक राष्ट्र अब अपना खोया हुआ गौरव पाने के लिए फिर से उठ खड़ा हुआ है। और इस प्रक्रिया में दशकों से चली आ रही बुराइयां, चुनौतियां धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। अब देश पंच प्राणों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, सन 47 में अंग्रेज भले चले गए लेकिन जनता को गुलाम रखने की मानसिकता यहीं पर कुछ लोगों के जहन में बो करके चले गए, यहीं छोड़ गए थे। इसलिए आजादी के बाद के वर्षों में देश में ऐसा वर्ग खूब फला फूला जो सत्ता को अपना जन्म जात हक समझता था। इन लोगों की बादशाही मानसिकता ने देश की जनता को हमेशा अपना गुलाम माना। 2014 में इस दबे कुचले
शोषित वंचित वर्ग ने अपनी आवाज बुलंद की, बादशाही मानसिकता के लोग इस वर्ग की आवाज सुनने की तो बात छोड़ दीजिए, पल पल कुचलते रहते थे। इसलिए हमारी सरकार के पहले कार्यकाल में ही बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों ने इन शोषितों वंचितों दलितों पिछड़ों कोई मौका नहीं छोड़ा उनकी मजाक उड़ाने में, हर पल उनकी मजाक उड़ाते रहे। जो काम दशकों तक सरकार चलाने वाले नहीं कर सके वो काम भाजपा सरकार कैसे कर रही है ये इन्हें पच नहीं रहा है। इसलिए नफरत से भरे हुए लोग आज झूठ पर झूठ झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख ये बेचैन है, हताशा से भर गए। इसलिए अब ये लोग इतने हताश इतने निराश हो चुके हैं कि अब एक ही रास्ता उनको दिख रहा है, एक ही उपाय दिख रहा है और वो खुल करके कहने लगे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वो कब्र खोदने की धमकी देने लगे।